नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के पश्चात मुस्लिम धर्मगुरुओं एवं उलेमाओं के भी बयान आ रहे हैं तथा सरकार से नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं अब एक बार फिर से मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया है तथा उनके बयान पर सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने भी उनकी क्लास लगाई है। जयपुर में एक समारोह में बोलते हुए मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि तुमने मुसलमानों पर आरोप लगाया, मैं पूछता हूं कि जो बम 2014 से पहले फूटा करता था वो बम आज कहां गायब हो गया। अब कहीं बम इसलिए नहीं फूटता है क्योंकि जो बम मारने वाला था वही आज हुकूमत पर बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तथा देश को पूरे विश्व में जलील मत करो, हमारे ऊपर जुल्म किया गया है। अरब देशों को हमने नहीं बुलाया, वो स्वयं आए हैं क्योंकि उनके रसूल के शान में गुस्ताखी की गई है। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने उनको लताड़ लगाई। जॉय श्री पटनायक नाम के सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने लिखा कि अब से हमेशा के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, ये हम हिंदुओं का प्रण है, देखते हैं कब तक खिसियानी बिल्लियां खम्बा नोचेंगे। वही चंकी नाम के ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने लिखा कि मौलाना जी आपने या आपकी कौम ने नहीं बैठाया है, हिंदुओं ने बैठाया है, जब तक हिंदू जिंदा है तब तक बैठेंगे, क्या कर लोगे। मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री मोदी की खामोशी पर सवाल उठाया तथा उन्हें धृतराज तक कह दिया। उन्होंने भाजपा पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि भाजपा 2024 चुनाव जीतने के लिए नूपुर शर्मा का कत्ल भी करवा सकती है। उन्होंने कहा कि हम जेल जाने को तैयार हैं, हम गोली खाने को तैयार हैं क्योंकि पैगंबर की शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।